नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के ही बारे में, क्योंकि यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन एक आएगा और जो रहेगा 15 नंबर का, 15 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, तो खासकर आपका जो भी बुटिन ज्वाइंट है उसमें आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लकड़ी का जोड़ है, लकड़ी के जोड़ के भागों को दर्शाया गया है और इसका असेंबल करना है। असेंबल कर लंब कोणीय प्रक्षेप बनाइए, मतलब क्या है, अलग अलग पार्ट दिए हैं, इनको जोड़ना है, जब जुड़ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और इसी का फिर आप बनाएंगे फ्रंट, टॉप और साइड। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, जो हम यहां से देखेंगे फ्रंट ये है, जब आप यहां से देखोगे तो आपको 130 बाई 40 का एक बॉक्स दिखेगा, 130 बाई 40 का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसको बना देंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका 130, 130 का मतलब हो गया आपका 13। तो 13 का आपने क्या किया, यहाँ पर 13 की एक लंबाई खींची, लीजिए 13 और 40, 40 का ये आ गया आपका यहाँ पर ये, और ये आ गया आपका लीजिए। सामने से आपको ये दिखेगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि जब आप सामने से देखोगे, एक लाइन ये और एक लाइन ये दिखेगी, तो मिड पे कितना है 40, 40 का क्या करना है, केंद्र के 20 इस तरफ और 20 इस तरफ, तो कितना होगा ये यहां पर 13, 13 का हाफ कितना हो जाएगा, 6.5, ये आ गया यहां पर केंद्र, और यहां से एक तरफ है 20 इस तरफ, 20 आपके यहां पर लीजिए। सामने से देखने पे आपको ऐसा दिखेगा। अब क्या करेंगे, इस पार्ट में दूसरे पार्ट को भी जोड़ देंगे। तो जब दूसरा पार्ट जोड़ा जाएगा तो यहां इसकी यहां से यहां तक की लंबाई को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो अब देखिए इसकी लंबाई क्या है, इसकी 90, 90 आ गए आपके यहां से 90 और 40, ये आ गए आपके लीजिए। सामने से देखने पर आपको ये देखेगा टी के जैसा आकार, टी के जैसा आकार दिखेगा, और ये जो यहाँ पर डॉटेड पार्ट दिखेगा, मतलब इसको थोड़ा मिटा देंगे, ये बन गया फ्रंट। फ्रंट के बाद फिर इसका बनाएंगे, फ्रंट के नीचे रहेगा टॉप, तो फर्स्ट एंगल में जो टॉप भी होता है वो फ्रंट के नीचे बनता है फर्स्ट एंगल में। तो यहां से हम क्या करेंगे, मान ली यहां पर हमने 2 का गैप देकर पहले इसकी लंबाई को सामने मेजर किया, तो इसकी टोटल लंबाई है वो है 130, 130 आ गए आपके यहां पर यहां, और 130 बाई चार आपका 130 बाई 30, क्योंकि ऊपर से देखने पर यहां से ये इसकी मोटाई दिखेगी, तो ये आ गया आपके 30 लीजिए, ये आ गया आपके यहां पर। अब यहां पर क्या है, ये लाइन और ये लाइन है, जहां पर क्या है इसकी जो मोटाई है वो है 15, 15 आपने क्या किया, यहां पर मिड पे आएंगे और इसको ले गए आपके
लीजिए, ये बन गया, ये बन गया उसका टॉप व्यू। अब ऊपर से देखने पर देखिए ये लकड़ी का पार्ट दिख रहा है, इसलिए इसका ये पार्ट लकड़ी का बना देंगे। लीजिए अब क्या है, इसका बनाएंगे साइड व्यू। तो अब देखिए जिस तरफ से दिख रहा है उसकी तरफ ना बनाकर इसके दूसरी तरफ बनाएंगे। अब हमें यहां पर दिख रहा है तो हम बनाएंगे इसके इस तरफ, फ्रंट के इस तरफ। तो यहां पर देखने पर हमें दिखेगा ये 30 बाई 90 की एक लंबाई। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने जो गैप लिया था वो आपका यहां पर था 2, तो ऐसी 2 का गैप लेके यहां पर ये आ गया आपके, यहां 2 का गैप लेकर 90 है, कितना इसके बराबर में ये आ जाएंगे आपके यहां पर, ये 90 और 30 ये आ गए, और ये पार्ट हमारा ये आ जाएगा। साइड से देखने पर हमें क्या होगा, ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे में जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो जुड़ा हुआ दिखाई देगा तो ये जो ये पार्ट तो आ गया आपका ये वाला पार्ट, और देखिए ये जो ये लाइन है जो मिड से कटी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 15 है तो 15 के बीच से आपकी आ गई 15, ये आपके डॉटेड लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन है, ये वाली, इसकी वजह से ये ढक गई है इसलिए ये तो दिखेगी नहीं, ये बना देंगे। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे पर लकड़ी का पार्ट बना देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपका ये क्वेश्चन सही हो गया तो मानिए आपके 15 नंबर पक्के हो गए। अब यहां पर दर्शाएंगे इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन में आ जाएगा यहां पर 130 है, 5 mm का मार्जिन देकर ले लीजिए 130 लेगा 180 जी, आपके ये पार्ट आ गया। मोटाई कितनी थी इसकी, इसकी मोटाई थी 30, तो आपने यहां पर इसके बराबर में ये 30 ऐसे क्या करेंगे, सभी के जितने भी डायमेंशन है सबको हम हर जगह इसको दर्शा देंगे। जैसे कि यहां से ऊपर तक की जो लंबाई है यहां पर वो आपकी आ गई यहां पर ये 90 है, 90 आप क्या करेंगे इसको 90 ये यहां पर दर्शा दी। तो ऐसे करके क्या करेंगे, सभी की एक एक करके डायमेंशन दर्शा देंगे। इसकी लंबाई है 30, 5 mm का गैप दिया आपने, और यहां पर इतना दिया गया 130। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंगल में बनाया था तो यहां लिखेंगे ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इन mm ले लिए। इसमें क्या किया, जो डायमेंशन है वो यहां पर लिख दी, ऑल डायमेंशन mm, और साथ में क्या लिख देंगे, जैसे कि ये आपका ये आ गया तो ये आपका कहलाएगा प्लान, इसको टॉप व्यू कहते हैं, प्लान
क्या है आपका साइड व्यू, और ये आ गया आपका फ्रंट, एफ आर ओ एन टी, फ्रंट व्यू। अब चाहे तो इसको आप लाइन खींचकर बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। तो ये क्या है, असेंबल है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 15 नंबर का आ जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये आसान और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। ये आपका यूनिट यूनिट वन का क्वेश्चन है। ये हमेशा कंपलसरी मिलेगा एग्जाम में। तो आप समझ गए कि किसी भी टी ज्वाइंट, और ये सब किसके हैं, लकड़ी के जोड़ हैं, लकड़ी के जोड़ हैं जिनको यहां पर बनाया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी क्या है कि ये क्वेश्चन आपका 30 नंबर का, इसलिए कोशिश ही रहेगी किसके 3-4 क्वेश्चन तो बना के डाल दिए जाएं, जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोग, जैसे जहां पर जो पॉइंट समझ में नहीं आता तो शायद उसको नेक्स्ट उसमें समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।